श्रद्धा वाकर हत्याकांड को अभी लोग भूले भी नहीं थे कि बेंगलुरु में एक ऐसी ही घटना ने हड़कंप मचा दिया। बेंगलुरु के एक फ्लैट में महिला के शरीर के 30 टुकड़े मिले। शरीर के टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया था। महिला का नाम महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी पिछले 9 महीने से अपने पति हेमंत दास से अलग रह रही थी। इस मामले में मृतका महिला के पति हेमंत दास ने बड़ा दावा किया है। उसने पुलिस को अशरफ नाम के युवक के बारे में बताया और कहा कि उसकी पत्नी महालक्ष्मी का अशरफ नामक युवक से संबंध था। पति ने अशरफ के ऊपर हत्या करने और शव के टुकड़े कर फ्रिज में रखने का आरोप लगाया है। हेमंत दास ने बताया कि 1 महीने पहले जब वह अपनी बेटी से मिलने आया था तब उसकी मुलाकात उससे हुई थी। हेमंत ने कहा कि महालक्ष्मी कुछ महीनों से अशरफ के साथ रिश्ते में थी और उसके साथ एक ही फ्लैट में रह रही थी। फ्लैट में महालक्ष्मी का शव 30 टुकड़ों में मिला। जब यह बात सामने आई कि फ्लैट से बदबू आ रही है तब लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ हुआ है। लोगों की शिकायत पर पुलिस जब फ्लैट पर पहुंची तो उन्हें एक बैग भी मिला। पुलिस को शक है कि आरोपियों की योजना शव के टुकड़े टुकड़े करने की ही थी। पूरे मामले में अशरफ नाम के जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है वह उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल वह बेंगलुरु की किसी दुकान में काम करता था। मृतका के पति हेमंत दास ने कहा कि महालक्ष्मी के साथ उसकी शादी केवल 6 महीने तक चली। इसके बाद दोनों अलग अलग रहने लगे। महालक्ष्मी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके कारण उसने बेंगलुरु आना बंद कर दिया था। हेमंत ने शक जताया कि उसकी पत्नी और अशरफ के बीच अफेयर था और उसकी हत्या अशरफ ने ही की है। बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर दयानंद ने कहा कि इस हत्याकांड में पुलिस जांच कर रही है। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। हालांकि पुलिस ने आरोपियों के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया। अशरफ के बारे में अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसमें वह बेंगलुरु के एक मेला मंगल इलाके में एक नाई की दुकान में काम करता था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से अब सबक लेना जरूरी हो गया है। स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि इस तरह की अकेली रहने वाली महिलाओं और युवतियों की संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करें और आसपास के लोगों से फीडबैक लेते रहें ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।